नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। UPSSSC से एक नई नोटिस जारी हो चुकी है और इसके पहले 31 अगस्त को 3 नोटिस जारी हुई थी एक के बाद एक, जिसमें 2 नोटिस ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की को लेकर की थी, एक भर्ती ASO की और दूसरी भर्ती UDA LDA सप्लाई इंस्पेक्टर की। इसके अलावा मुख्य सेविका भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस भी आया था। और आज देखिए, आज फिर से UPSSSC से एक नई नोटिस जारी हुई है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की रिवाइज्ड आंसर की। हमारे पास कुछ कमेंट आए थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि संशोधित आंसर की इसमें नहीं आनी है, जबकि ऑब्जेक्शन मांगा गया था रिवाइज्ड आंसर की आनी थी इसमें। और पहले जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके बाद हमने एक कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था एक्सपेक्टेड, और जितना हमने आपको कट ऑफ बताया था लगभग सभी कैटेगरी के लिए उसी के आसपास आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर एक बार हम लोग रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं और इसके बाद जो है रिजल्ट आपका आएगा। और हमने आपसे कहा था कि संशोधित आंसर की का वेट करिए आप सभी, संशोधित आंसर की आने के बाद फिर रिजल्ट का नंबर होगा। तो संशोधित आंसर की यहाँ पर आ चुकी है और आपकी भर्ती पुरानी भर्ती है, PET से भर्ती आपकी है नहीं, तो ऐसे में आपकी भर्ती जल्दी कंप्लीट की जाएगी क्योंकि उसके बाद फिर आगे PET 2022 का एग्ज़ाम भी होना है अक्टूबर में, फिर आगे इन फ्यूचर 2022 लास्ट में 2023 में PET 2022 से नई जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी, नई भर्तियां आएंगी और साथ ही साथ PET 2021 से जो भर्तियां चल रही हैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसे में जितने भी पुरानी भर्तियां हैं, CM का निर्देश है कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्दी क्लियर किया जाए। आगे भी आपके भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी अपडेट्स आयोग से प्राप्त होती रहेंगी, आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप सभी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ रिवाइज्ड आंसर की के बाद मिलान करने के बाद अब कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं टोटल, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने में और सटीक कट ऑफ बताने में और आसानी हो और भी हम सटीक कट ऑफ बता पाएं आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2019 की भर्ती है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, जिसके अंतर्गत मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र की 8 सीरीज ए से लेकर के एच तक की उत्तर कुंजी जारी किए जाने की सूचना, ये संख्या हो गया 18/7/2022 को वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। उसके बाद जो है फिर अंतिम उत्तर कुंजी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसके बाद कोई ऑफिशियल आंसर की अब नहीं आएगी, ये अंतिम उत्तर कुंजी है चारों 8 सीरीज की, एक बार फिर से जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। तो या तो आप वेबसाइट से इसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सीरीज ए है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है, और हमें लग रहा है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं अंतिम उत्तर कुंजी, इसी तरह से सीरीज बी यहाँ पर है, इसके बाद सीरीज यहाँ पर सी है। तो आप देखेंगे जैसे अभी इसके पहले ASO का या फिर UDA LDA SI वाले में जहाँ पर ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, प्रश्नों पर आपत्ति मांगी गई थी, तो वहाँ पर देखेंगे कई प्रश्नों पर बदलाव किए गए हैं कॉमन नंबर के रूप में या फिर प्रश्नों के विकल्प में बदलाव के रूप में, लेकिन आपकी ऑफिशियल रिवाइज्ड ऑफिशियल आंसर की में या अंतिम उत्तर कुंजी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर यह हो गया लास्ट वाली सीरीज की, तो एक बार आप लोग फिर से आंसर चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई परिवर्तन लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर 2 सवाल होते हैं, पहला होता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल कैटेगरी, साथ ही साथ रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट JEE 2016-18, कंप्यूटर ऑपरेटर लोअर PCS 2019, इन भर्तियों के रिजल्ट देने हैं आयोग को, और इसी महीने में जितना रिजल्ट आ जाए उसके बाद नहीं तो फिर अगले महीने में ही रिजल्ट दे पाएंगे। इसके बाद जो पुरानी भर्ती है, चाहे सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाली या फिर UDA LDA SI, UDA LDA तो आयोग अपने स्टाफ के लिए भर्ती कर रहे हैं, उसी में एक सप्लाई इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है, टोटल 76 पद वहाँ पर है। और जो आपकी भर्ती है पुरानी भर्ती है,
एएसओ की भी पुरानी भर्ती है। तो ये जो दोनों पुरानी भर्तियां हैं इनके रिजल्ट अभी देखेंगे। एक जो मतलब पीईटी के आधार पर जो भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं या फिर जो परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं जैसे लैब टेक्नीशियन का, तो जो परीक्षाएं हो गई हैं उनके रिजल्ट भी दिए जाएंगे। लेकिन उन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट सबसे पहले देने की कोशिश होगी जो भर्ती परीक्षाएं पुरानी हैं, पीईटी से नहीं है, जैसे आपकी भर्ती है। तो नवम्बर तक दिसंबर तक आपकी भर्ती का रिजल्ट आ सकता है, नवम्बर दिसंबर तक। ठीक है, नवंबर तक आप 99% मान के चलें कि आपका जो रिजल्ट है फाइनल वो नवंबर तक आ सकता है। अक्टूबर तक देखिए एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं, सितंबर में कोई उम्मीद नहीं है, अगले इस महीने में कोई भी उम्मीद नहीं है। अक्टूबर में भी आने के चांस कम है लेकिन नवंबर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 99% तक आपका जो रिजल्ट है नवंबर तक आ जाना चाहिए और 1% है कि दिसंबर में भी जा सकता है। अक्टूबर में अभी कोई एक्सपेक्टेड डेट ऐसी है नहीं अक्टूबर के लिए। अगर कुछ आयोग, हो सकता है कि आयोग आपकी भर्ती पर जल्दी काम करना शुरू कर दें, लेकिन आयोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसको देखते हुए अक्टूबर तक लग नहीं रहा है कि आपका रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि अक्टूबर में अभी हमने आपको 2-3 परीक्षाओं, जैसे कि आप देखेंगे जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसका भी रिजल्ट नवंबर तक देने की तैयारी है। लेखपाल की रिवाइज आंसर की अभी आई नहीं है, लगभग 20 सितंबर के आसपास तक आ सकती है या फिर उसके पहले भी आ सकता है। तो इसी तरह से जो परीक्षाएं हो रही हैं सभी के रिजल्ट कहीं ना कहीं आयोग को देने हैं। तो उसी क्रम में आपकी भर्ती का जो रिजल्ट है या तो नवंबर तक आ सकता है 99% है, या फिर दिसंबर तक भी जा सकता है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट प्राप्त होती रहेगी आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। और अक्टूबर के लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, ये आयोग के ऊपर है, अगर वो चाहेंगे तो आपका रिजल्ट अक्टूबर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कट ऑफ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग एक बार फिर से, अगर आपने पहले कमेंट किया हो तो भी एक बार आप फिर से सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं टोटल। और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।